साल 2021 की शुरुआत से ही हमने खाद्य तेलों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती देखी है, जो कि 2021 के अंत तक जारी ही है। हालांकि सरकार ने खाद्य तेलों की लगातार बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए काफी प्रयास भी किए हैं, जिससे कीमतों में थोड़ी नरमी भी आई है। सरकार ने खाद्य तेलों पर इतने फैसले लिए हैं जिससे व्यापारियों में एक डर का माहौल बन गया है। खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी का असर तिलहन पर भी पड़ता दिखाई दिया है, जिससे सरसों सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों के दामों में भी तेजी देखी गई थी। वहीं बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक सोयाबीन पर जितने भी बड़े निर्णय आने थे वो लगभग आ चुके हैं और अब व्यापारियों और कारोबारियों में डर का माहौल धीरे धीरे खत्म हो गया है। खाद्य तेल और तिलहन पर इतने फैसले लेने के बाद सरकार अब शायद ही सोयाबीन पर कोई फैसला ले। वहीं सोपा के अनुसार सोयाबीन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है और उत्पादन भी इस बार सोपा अच्छा ही बता रही है कि पिछले साल से ज्यादा ही रह सकता है। अजय केडिया के मुताबिक आगे सोयाबीन की डिमांड अच्छी ही रहेगी। वर्तमान में सोयाबीन की डिमांड अच्छी है जो आगे और भी बढ़ेगी। पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी डिमांड आएगी जो आगे अच्छी ही रहेगी। वर्तमान में मंडियों में सोयाबीन की आवकों के प्रेशर के चलते कीमतों पर कुछ दबाव रहेगा, लेकिन सोयाबीन की कीमतें 5,000 से 5,100 से ज्यादा नीचे जाती हुई नहीं दिख रही हैं। अजय केडिया के मुताबिक जनवरी 2022 के अंत तक सोयाबीन की कीमतें वायदा बाजार में 6,300 से 6,400 का स्तर छू सकती हैं। सोयाबीन में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।